तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज मैं आपके लिए एक इंजीनियरिंग सेक्टर का स्टॉक लेकर के आया हूँ, जो कि इंजीनियरिंग से रिलेटेड प्रोडक्ट तैयार करती है। और ये BSE NSE में लिस्टेड है। मार्केट कैप 1308 करोड़ का है। करंट प्राइस चल रहा है 363 रुपये, और हाई बना चुका 394 का, लो है 115 रुपये का। स्टॉक ई है 33, बुक वैल्यू 107 है। कंपनी डिविडेंड एल्ड प्रोवाइड करती है 0.27% का। ROC है 9.97%, ROE है 8.34%, फेस वैल्यू 2 रुपये की है। प्रमोटर के पास 65% की होल्डिंग है। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 0.29, और एनुअल प्रॉफिट है 29 करोड़ का। कंपनी के पास कर्ज है 114 करोड़ का। रिटर्न ऑन इक्विटी 8.34%। इंडस्ट्रीज पी है 39, EPS 12 रुपये की। फ्री कैश फ्लो 11 करोड़ का है, तो प्लस परसेंट बिल्कुल जीरो है। अगर हम लोग बात करें प्रॉस की, तो कंपनी हैज बीन मेंटेन ए हेल्थी डिविडेंड पे आउट ऑफ 17.2%। 17% का हेल्थी डिविडेंड पे आउट करती है स्टॉक। तो ये कास्टिंग फॉर्चिंग और फास्टेनर सेक्टर का ये स्टॉक है। फास्टेनर सेक्टर का इंडस्ट्रीज है। अगर हम लोग बात करें क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में, दिसंबर वाले क्वार्टर में इन्हें 23 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ है, और सितंबर वाले में 25 करोड़ का, जून वाले में 21, और मार्च वाले में 18 करोड़ का। प्रॉफिट एंड लॉस ईयरली बेस पे चेकआउट करें तो नेट प्रॉफिट देखो 10 करोड़ का हुआ है दिसंबर में। सितंबर में हुआ 17 करोड़ का, और जून में हुआ 9 करोड़ का, मार्च में हुआ 8 करोड़ का नेट प्रॉफिट। प्रॉफिट एंड लॉस ईयरली बेस पे चेकआउट करें तो TTM में आओ, TTM में देखें अगर, तो 86 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ है। 2022 में हुआ 70 करोड़ का, 2021 में 64 करोड़ का, 2020 में 61, और 2019 में 86 करोड़ का हुआ है। तो मतलब ईयरली बेस पे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करता हुआ दिख रहा है ये स्टॉक। हमें हर साल एक नया हाई, हर साल एक नया प्रॉफिट लेकर के आ रहा है, इंक्रीज करता जा रहा है अपना प्रॉफिट हर साल। अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो 44 करोड़ का नेट प्रॉफिट आया है TTM में। 2022 में 30, 2021 में 24, 2020 में 29 करोड़ का। अगर हम लोग बात करें इस कंपनी के डिविडेंड का, तो कंपनी 12% का डिविडेंड पे आउट करती है की है 2022 में, 2021 में 15% का, और 2020 में 25% का, 2019 में 16% का। तो इन्हीं के लमसम ये अपना डिविडेंड पे आउट करती रहती, कभी 15, कभी 16, कभी 17, कभी 25, तो बस इतना का ही ये डिविडेंड पे आउट करती है स्टॉक। कंपाउंड सेल्स ग्रोथ की बात करें, 10 साल में 5%, 5 साल में 5%, 3 साल में -3% स्टॉक। RTTM में 26%। कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें, 10 साल में 7%, 5 साल में -4%, 3 साल में -13%, TTM में -16%। स्टॉक प्राइस CAGR की बात करें, 10 साल में 35%, 5 साल में 10%, 3 साल में 22%, और 1 साल में -142%। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें, 10 साल में 14%, 5 साल में 12%, 3 साल में 9%, लास्ट ईयर 8%। बैलेंस शीट चेक करें अगर कंपनी की, तो कंपनी का कर्ज है, ब्रोविंग है 114 करोड़ का, और रिजर्व है 369 करोड़ का। और ये रिजर्व हर साल आपको इंक्रीज करता हुआ दिख जाएगा, मतलब हर साल ये अपनी रिजर्व इंक्रीज कर रहे हैं। वही इनका कर्ज भी इंक्रीज होता हुआ ही दिख रहा है 3-4 साल से, लेकिन कर्ज एक मीडियम में है, बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, बहुत मीडियम में है। अगर कैश फ्लो की बात करें, 60 करोड़ के लमसम इनके पास कैश फ्लो, नेट कैश फ्लो -1 करोड़ है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न 65.77% की होल्डिंग 2020 में भी थी, अभी भी उतना ही होल्डिंग है। अगर DIIS की बात करें तो 5.33% की होल्डिंग है DIIS की, या पर FIIS के पास 0.01% की होल्डिंग है। पब्लिक के पास 28% की होल्डिंग है इस स्टॉक के अंदर। अगर पब्लिक अंदर देखें तो काफ़ी अच्छा पैसा लगा हुआ है, प्राइवेट लिमिटेड कुछ कंपनी है, कुछ इंडिविजुअल का पैसा है। दोस्तों स्टॉक का नाम बताने से पहले बता दूं, अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाकर के आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हो, और आप भी इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस स्टॉक का नाम है स्टेरलिंग टूल लिमिटेड। 1979 में इस्टेब्लिश हुई थी, और STL मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केट हाई टेंसाइल
कॉल्ड फॉर्जेट फास्टेनर प्राइमरली फॉर द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज एसटीएल वाज फाउंडेड बाय द फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर मिस्टर मनोहर लाल अग्रवाल एंड हैज देयर आफ्टर बीन मैनेज बाय हिज टू सन्स मिस्टर अनिल अग्रवाल एंड मिस्टर अतुल अग्रवाल। तो इनके दो बेटे हैं। तो सो फंडामेंटली ये स्टॉक मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहा है, और आपके हिसाब से क्या लग रहा है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताओ। तो आ चुके हम लोग टेक्निकल पे, और अभी ये स्टॉक बिल्कुल हाई पे अपने टॉप पे है। इसने ब्रेकआउट दिया इस रेंज का, और 307 रुपये के रेंज को ब्रेकआउट देते ही 362 का हाई लगाए ये स्टॉक, और इस स्टॉक को अपने रेंज सपोर्ट के पास अगर बाय करें तो करंट टाइम में भी अच्छा मुनाफा दे सकता है ये स्टॉक। तो अगर ये स्टॉक आपको इस लेवल में मिल जाए, अभी तो उनका सपोर्ट जोन कुछ क्लियर नहीं है, बट इस लेवल में अगर मिल जाए कहाँ पे 347, 333, 342, 340 के रेंज में मिल जाए, डेफिनेटली बाई करके चल सकते हो। बट वेट करो, अगर ये 800 लाइन के नीचे ब्रेकआउट करता तो ये स्टॉक आपको 274, 270 के रेंज में मिलेंगे। मेरे हिसाब से अभी आपको वॉच लिस्ट में ऐड करके रखना चाहिए इस स्टॉक को, और कुछ टाइम बाद आपको बाय करके चलना चाहिए, क्योंकि जल्द आने वाले टाइम में ये इस रेंज में सपोर्ट ले सकता है 298 के रेंज में, या फिर 270-270 के रेंज में, 280 के रेंज में सपोर्ट ले सकता है ये स्टॉक। तो काहे हम उतना ऊपर पैसा अपना इन्वेस्ट करें, क्यों ना नीचे के लेवल में इन्वेस्ट करें। तो अपने वॉच लिस्ट में ऐड करके रखो इस स्टॉक को, डेफिनेटली आने वाले टाइम में बहुत अच्छा ग्रोथ करके दिखलाएगा ये स्टॉक मेरे हिसाब से। तो इस स्टॉक के अंदर ज़रूर आप एंट्री बना करके चल सकते हो। और अभी लॉन्ग टर्म में अगर देखा जाए तो बहुत ही अच्छा ये स्टॉक काम करने वाला है। और ये स्टॉक आपको अगर मंथली टाइम फ्रेम में देखा जाए तो ये स्टॉक आने वाले टाइम में अपर वाले ऊपर गया है, और आने वाले टाइम में आपको 321 के रेंज में, हो सकता है 336 के रेंज में देखने के लिए ज़रूर मिल जाएगा आसानी, मतलब जल्दी देखने के लिए मिलेगा। जल्द का मतलब इन द सेंस है कुछ महीनों के अंदर, जुलाई ये फेब, तो 6-7 महीनों के अंदर ये स्टॉक 331-32 के रेंज में मिल सकता है। ठीक दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ बनाया गया था, ना कि बाय और सेल करने के लिए। अगर आपको एंट्री करना है तो आप अपने रिस्क पर एंट्री करके चल सकते हैं।